तो हेलो फ्रेंड, ब्लॉग में रोहित में आपका स्वागत है। तो आज हम फिर से आ चुके हैं आपको पटना के वर्ल्ड डेकल ब्रिज का अपडेट देने, जो कि 2.2 किलोमीटर में इसकी लंबाई है। तो पूरी वीडियो में बने रहिए कि इस तरह से कितना कहां तक काम हुआ है, पूरा अपडेट दिखाने। कारगिल चौक से NIT तक बनने वाली इस डबल डेकर एलिवेटेड सड़क का निर्माण जो है लगभग 450 करोड़ की लागत से होने वाला है, और इसकी टोटल दूरी की बात करें तो 2.2 किलोमीटर होने वाली है। इस डबल डेकर के सतह से पहले तल की ऊंचाई लगभग 26 फुट है, जबकि दूसरे तल की ऊंचाई लगभग 47 फुट है। तो पहले तल की फ्लाईओवर पर चढ़ने के लिए पटना कॉलेज के समीप रैंप का निर्माण हो रहा है, जबकि दूसरे तल के फ्लाईओवर पर साइंस कॉलेज के पास से उतरा जाएगा। डबल डेकर फ्लाईओवर में BN कॉलेज से कुल्हरिया कॉम्प्लेक्स के बीच स्पैन तैयार हो रहा है। वहीं सिविल कोर्ट से पटना मेडिकल डेंटल कॉलेज के बीच पाइलिंग का काम भी लगभग पूरा हो चुका है। अशोक राजपथ पर लगभग रोजाना भीषण जाम लगी रहती थी, इसके कारण है ना, इस पे जाम को हटाने के लिए अलग अलग तरह के इसपे उपाय किए जा रहे हैं। विश्व के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल यानी कि PMCH में इस फ्लाईओवर से एक रैंप दिया जाएगा। PMCH में 3 मल्टी लेवल पार्किंग बनाई जा रही है। इस पार्किंग को अशोक राजपथ के इस डबल डेकर फ्लाईओवर से जोड़ा जाएगा, जिससे वाहनों को PMCH में आने जाने में सहूलियत होगी। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल PMCH के लिए 2 रैंप दिया जा रहा है। एक अशोक राजपथ की तरफ से देकर डबल डेकर फ्लाईओवर में जोड़ा जाएगा, दूसरा मरीन ड्राइव की तरफ से आपको JP गंगा पथवे में, मतलब मरीन ड्राइव में जोड़ा जाएगा। इससे फायदा ये होगा कि PMCH से रोगियों को आने जाने में किसी तरह से परेशानी या जाम से मुक्ति मिलेगी। अभी यहाँ जो बार्गेनिंग करके आपको पटना मेट्रो जो लिखा हुआ दिख रहा है, ये है PMCH मेट्रो स्टेशन। अशोक राजपथ पर डबल डेकर एलिवेटेड रोड के पहले तल की लंबाई की बात करें तो 1.50 किलोमीटर होगी, जबकि दूसरे तल की लंबाई 2.20 किलोमीटर होगी। पहले तल की NIT की तरफ से गांधी मैदान, जबकि दूसरे तल में गांधी मैदान से NIT की तरफ आ जा सकेंगे। यहां पे 4 लेयर पे गाड़ियां दौड़ेंगी, जैसे कि डबल डेकर फ्लाईओवर 2 लेन में गाड़ियां दौड़ेंगी इसके ग्राउंड फ्लोर पे, जो कि आपको गाड़ियां दौड़ते हुए दिख रही हैं। एक अंडरग्राउंड, जो कि अंडरग्राउंड में आपको पटना मेट्रो दौड़ेगी। तो डबल डेकर फ्लाईओवर का तो काम हो ही रहा है, साथ ही साथ अंडरग्राउंड इसके मेट्रो स्टेशन और अंडरग्राउंड में मेट्रो को दौड़ाने की तैयारियां भी हो रही है, टनल बनाने की तैयारी हो रही है। बात करें कारगिल चौक के तरफ से, उधर गांधी मैदान एक मेट्रो स्टेशन बन रहा है, उसके बाद आपको PMCH के पास में मेट्रो स्टेशन बन रहा है जो कुछ देर पहले दिखा चुके हैं। एक है पटना यूनिवर्सिटी, जो कि लास्ट में इसका जो रैंप डाउन होता है ना, उसके आगे वो पटना यूनिवर्सिटी स्टेशन बनने वाला है। एक रैंप NIT मोड़ की तरफ जाएगा, एक रैंप आपको यहाँ पे पटना यूनिवर्सिटी के पास, जो कि आपको कृष्णा घाट जाने वाला जो रास्ता है ना, यहाँ पे एक रैंप डाउन हो रहा है। देख सकते हैं ये रैंप जो है बनाया जा रहा है, यहाँ नीचे मिट्टी भरने का काम हो रहा है, और किनारे में जो साइड वॉल का काम है वो भी हो रहा है। मतलब साइड वॉल के लिए जो साइड प्लेट होते हैं उसे भी लगा कर है ना इसे ऊँचा बनाया जा रहा है। तो इस तरह से स्लोपिंग हो जाएगा, और इस तरह से है ना मिट्टी भर के इसे दबा के इस स्लोप को पूरा बनाया जाएगा। साइड वॉल को देखिए लगा के है ना यहाँ पे इस तरह से किया जा रहा है, मिट्टी को भरा जा रहा है, और ये धीरे धीरे आकर जमीन पर स्लोप हो जाएगा। देखिए ये साइड वॉल है, इस तरह से यहाँ लगाया जा रहा है, और फिर उसमें जाकर बराबर हो जाएगा। पटना साइंस कॉलेज के पास आके यहाँ ख़त्म हो जाता है डबल डेकर, क्योंकि इसके आगे है पटना मेट्रो का काम लगा हुआ, और यहाँ आके ये ज़मीन पे मिल जाएगा। तो उससे पहले है ना, मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि यहाँ पटना मेट्रो का पहले काम हो जाएगा ना, उसके बाद यहाँ ज़मीन को मिला दिया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ बड़ी सी मशीन लगी हुई है, और यहाँ गार्ड साहब बैठे हुए हैं हमको आँख दिखाते हुए,
तो चलते अब यहाँ से वीडियो को समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके बाय।